एक्स मैनेजर आए, ये भी मैनेजर रिटायर्ड हुए। मेरे साथियों, जैसा कि आपको सभी ने बताया है कि हमारी ग्रुप उसके तीन पुस्तकों ने इस डिपार्टमेंट में काम किया है। मैं भी इसी प्रकार से इस डिपार्टमेंट में आया हूँ और जड़ों से लेकर ऊपर तक मैंने सारे काम देखे हैं। महसूस करता हूँ इस परिवार का एक अभिनय। मुझे नहीं मालूम था कि आज यहाँ धंधा है, लेकिन मुझे भी पता लगा, मैं इसलिए आया हूँ। हमारे बच्चे यहीं से बने हैं, यहीं से पले हैं और हमारे हाथों से, हमने ही नीचे से काम कर करके सभी लोगों ने इन जानवरों की ब्रीड को आगे बढ़ाया है। इन जानवरों की ब्रीड को हमने ऐसी स्टेज पे भी देखा है जब कुछ भी नहीं था, उसी ब्रीड को सबने मेहनत कर करके आगे बढ़ा करके 30 से 35 किलो के जानवर हमने डिपार्टमेंट को दिए हैं। रोगों की रोकथाम के अंदर भी काफ़ी काम मिल्टी फार्म ने किया है और हमारे जानवरों की जो कंडीशन, जो सेहत हमारे जानवरों की है डिपार्टमेंट की, मेरे ख्याल बाहर किसी की भी इस प्रकार की नहीं है। लेकिन सरकार ने इन किसी भी चीज़ों का, किसी बातों का कंसीडर नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है। हमारे जो कर्मचारी हैं, मैं मीर संतोड़ी में था, 30-35 साल से लोगों ने वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो बेचारे कच्चे थे, उनको एक आस थी, एक उम्मीद थी। इसी प्रकार से दूसरे फार्मों में सभी प्रकार 25-30 साल के लोग हैं, एक उम्मीद थी कि हमारा कुछ ना कुछ हमारे बच्चों का भविष्य होगा, लेकिन सरकार के एक आदेश ने सब खत्म कर दिया। ना ही किसी के बारे में सोचा, ना ही किसी के बारे में, क्योंकि पक्के लोग तो पक्के थे, उनको तो एडजस्ट करना उन्होंने, लेकिन जो बेचारे नीचे के कर्मचारी थे, जिन्होंने रोज काम कमाया है, उनके बारे में सरकार ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो मेरी कहने का भी बड़ा ये है कि जब डिस्पोजल हो रही थी तो इन सब के बारे में भी सोचना चाहिए था। जैसे नंदू जी ने बताया है, हमें तो इन सब चीज़ों का इतना ज्ञान भी नहीं है कि हर आदमी को 15 दिन के वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, 15 दिन की तनख्वाह मिलनी चाहिए एक साल के अंदर, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी भी को वो नहीं हुआ है, तो हमें दुख होता है। मुझे रिटायर हुए 1.5 साल हो गया, 2.5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जब मुझे पता लगा, मुझे काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि हमें अपने शरीर का पूरी सेवा इस डिपार्टमेंट को दी है। जिन्होंने मेरे साथ काम किया वो जानते हैं, इसी प्रकार से सभी लोग हैं। तो मेरी सरकार से भी, प्रेस से भी, सबसे इंटेलिजेंस वाले भी होंगे यहाँ पर, इन सब से प्रार्थना है कि इन सब की एक जो आवाज़ है ज़रूर वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि कुछ ना कुछ सरकार इनके बारे में सोचे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।